नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग को कालका जी मंदिर का दर्शन करवाने वाले हैं और साथ ही साथ पूरा इतिहास बताने वाले हैं, क्योंकि यहीं पे रक्त बीज का संहार किया था माता काली ने और महाभारत काल में श्री कृष्ण भी यहाँ पे पूजा कर चुके हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा, एक बार हमारे साथ बोलेगा जय माता दी। कालका जी मंदिर मेट्रो में मैं अभी उतर चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कालका जी मंदिर में, तो सबसे पहले आप लोग कालका जी मेट्रो पे उतर जाइए और ठीक 10-15 कदम दाहिने जाने के बाद आप लोग को मंदिर, जो कि मंदिर का प्रवेश द्वार, आप लोग को आसानी से दिख जाएगा। और यहाँ पे काफी सारी साइड साइड में दुकानें लगी हुई है, बहुत सारी दुकानें लगी हुई है। और ये सामने जो गेट देख रहे हैं, ये कालका जी मंदिर का ही है। जो ऊपर में देख सकते हैं, कालका जी मंदिर पर आपका आगमन पर स्वागत है। और ये सामने मेट्रो, चलिए अंदर आप। तो जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप लोग को चप्पल जूता जमा करने वाले काफी सारे काउंटर मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग 5 रुपया शुल्क दे के अपने चप्पल जूता को जमा कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग माता के दर्शन करने के बाद आप लोग पुनः इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आप लोग को दर्शन करने से पहले यहाँ पे बैरिगेडिंग में लाइन लगते हुए, चूंकि अभी तो भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं बैरिगेडिंग लगा हुआ है और नवरात्रा बस स्टार्ट हो ही चुकी है, तो भीड़ बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को दर्शन करवाने से पूर्व कालका जी मंदिर का पूरा इतिहास बताते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक बार हमारे साथ बोलिएगा जय माता दी। दोस्तों, दिल्ली का यह कालका जी मंदिर 3000 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण मराठाओं की ओर से सन 1764 ईस्वी में कराया गया था। बाद में इसे 1816 ईस्वी में अकबर के पेशकर राजा केदारनाथ में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया था। दोस्तों, माना जाता है कि महाभारत काल का जो युद्ध हुआ था, उससे पहले यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने मिलके यहाँ पे माता कालका के दर्शन किया था। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ पे असुरों के द्वारा देवताओं पे अत्याचार किया जा रहा था, तभी देवताओं ने यहाँ पे शिव शक्ति का पाठ किया। उसके बाद माँ पार्वती प्रकट हुई। माता पार्वती ने यहाँ पे कौशिकी देवी को प्रकट किया, जिससे कि असुरों का संहार किया गया, लेकिन रक्त बीज को नहीं मार सके। इसके बाद माँ पार्वती ने अपने भ्रुकुटी से महाकाली को प्रकट किया। उसके बाद महाकाली ने यहाँ पे रक्त बीज का संहार किया, तभी से यह माँ कालका जी मंदिर शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे आप लोग को दर्शन होंगे दुर्गा माता के, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे अपने भोलेनाथ के दर्शन होंगे। आप प्रवेश करने से पहले ही मंदिर में हमारे भोलेनाथ मिल गए यहाँ पे। वैसे ही कालका जी मंदिर में प्रवेश कीजिएगा तो सबसे पहले आप लोग को दर्शन होंगे मेरे भोलेनाथ के। तो जैसे ही मैं आया तो सबसे पहले मैं अपने भोलेनाथ का दर्शन किया और यहाँ पे देखा हूँ, उसके बाद चलते हैं माता का दर्शन करवा। तो भाई, दर्शन आप लोग कीजिए कालका जी मंदिर के। तो यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, अंदर में परिक्रमा करते हुए दर्शन करने जाना होता है। तो अभी मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। तो माँ कालका जी के दर्शन करने के बाद आप लोग को बाहर में, जब आप लोग निकलिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होंगे, जैसे कि भगवान राम के दर्शन आप लोग कर रहे हैं और उसके बगल में माता काली की है। और यहाँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जयकारा लगाया जा रहा है माता का। तो यहाँ पे आप लोग आएगा तो बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा, जो कि माता के दर्शन आप लोग कीजिएगा और भी कई सारे देवी देवताओं पे यहाँ पे आप लोगों को दर्शन होंगे। और देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग दोस्तों, जो कि शाम का समय है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे फीलिंग हो रहा है, क्योंकि माता के दर्शन मैंने किया है, आप लोगों को भी कराया है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग माता के दर्शन करें होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।